Now today we are going to start up with the next point, that is informations and business model. कि भाई क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाउ द बिजनेस मॉडल्स आर गोइंग टू बी चेंज आउट. कि भाई आपका काम करने का तरीका जो है वो क्या है, डे बाय डे चेंज हो रहा है, कंपनी का काम करने का तरीका चेंज हो रहा है. जो मेंबर्स थे, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो चेंज हो रहे हैं, उनका व्यूज रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रहा है. तो नाउ इवन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू चेंजिंग द होल बिजनेस मॉडल्स. कि भाई प्रेजेंट एरा में पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो क्या है, डे बाय डे चेंज हो रहा है. तो सबसे पहले समझ लेते हैं बिजनेस मॉडल क्या है और वो कैसे चेंज हो रहा है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो कैसे यहाँ पे इम्पैक्ट करेगी, तो दिस आर द थ्री वेज. तो वो वन बाय वन समझते हैं कि भाई करंट बिजनेस मॉडल्स के अंदर कैसे चेंज आएगा. तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल क्या है, तो बिजनेस मॉडल इज गोइंग टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस एंड इंफॉर्मेशन फ्लो एंड द रोल ऑफ पार्टिसिपेटिंग पार्टीज. कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो अगर उसका बिजनेस मॉडल आपको समझना है तो वो क्या दिखाता है, वो कंपनी की प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वो कंपनी के अंदर पास ऑन होती है, कौन कौन सी पार्टीज मेंबर्स उसके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनका रोल क्या है, उनको क्या काम करना है. सो हियर यू आर ट्राइंग टू एनालाइजिंग अ बिजनेस मॉडल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू चेन. कि अगर आप वैल्यू चेन कॉन्सेप्ट को समझोगे देन यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई बिजनेस मॉडल क्या होता है. तो इन सिंपलेस्ट वर्ड वी कैन से दैट कि अगर कोई बिजनेस मॉडल का मतलब क्या होता है कि भाई कंपनी कैसे काम करती है स्टार्टिंग से एंड तक, कि भाई उसका रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर्स के हाथ में जाता है तब तक, वो पूरी प्रोसेस कैसे होती है, कौन कौन से लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कंपनी कौन सी प्रोडक्ट बना रही है, कौन सी सर्विसेज दे रही है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे पास ऑन हो रही है, कौन कौन से लोग उसके अंदर इन्वॉल्व है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो सारी चीज़ें क्या दिखाती है, पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस मॉडल दिखाती है. इट विल ऑल्सो शोज द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टू ईच एंड एवरी पार्टीज. कि भाई हर एक जो मेंबर्स इसके अंदर जुड़ा हुआ है तो वो हर एक मेंबर्स को रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, पैसा कहाँ से मिलेगा, बेनिफिट कहाँ से मिलेगा, वो भी क्या है आप बिजनेस मॉडल में से जान पाओगे. तो इवन यूनिट नंबर वन के अंदर कॉन्सेप्ट था वैल्यू चेन. तो वैल्यू चेन क्या दिखाता है, वंस अगेन वैल्यू चेन इज ऑल्सो गोइंग टू सेम द सेम रिप्रेजेंट द सेम थिंग. कि भाई आप बींग अ कंपनी आप कैसे काम करते हो, कौन कौन से लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपका प्रोडक्शन फ्लो कैसे हो रहा है, तो वो सारी चीजें भी क्या है आपकी वैल्यू चेन के माध्यम से हम समझ सकते हैं. सो वैल्यू चेन फ्रेमवर्क कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मेनी ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स. कि अगर कोई भी कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझना है देन यू कैन गो फॉर वैल्यू चेन. कि भाई वैल्यू चेन को ऑब्जर्व करके आप समझ पाओगे कि भाई वो कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, उसका मॉडल क्या है. हियर वी हैव वन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को समझना चाहते हो तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आप समझना चाहते हो तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, तो उसकी वैल्यू चेन को हम समझेंगे. तो आप लीनियर सप्लाई चेन फ्रॉम द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स टू द फिनिश प्रोडक्ट असेंबलर्स, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स एंड फाइनली द कंज्यूमर्स. तो दिस रिफर्स ऑल दोज पार्टीज हु आर इन्वॉल्व इन what we can say in doing the business, in carry out the business. कि भाई आप manufacturers हो तो आप manufacturers के रूप में आपको क्या चाहिए, various components चाहिए, raw material चाहिए, तो उसके लिए आप किसके ऊपर depend होंगे, आपके suppliers के ऊपर depend होंगे. वो raw material आएगा, आपने product produce किया, उसको market में भेजा, वहाँ पे assemble करने के लिए third party होगी कि जो आपकी product को assemble करेगी, फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, होलसेलर्स होंगे जो रिटेलर्स को बेचेंगे, रिटेलर्स होंगे जो आपकी प्रोडक्ट्स को फाइनल एंड यूजर्स तक पहुंचाएंगे. सो इन दिस वे दिस ऑल आर द मेंबर्स हु आर रिलेटेड विद ईच अदर्स, हु आर वर्किंग विद द हेल्प ऑफ ईच अदर्स एंड कंप्लीटिंग द एंड प्रोड्यूसिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स एंड कंप्लीटिंग द वैल्यू चेन, सप्लाई चेन एंड make the products available for the end users. तो ये क्या दिखा रहा है, कंपनी की वैल्यू चेन दिखा रही है, सप्लाई चेन दिखा रही है. इन दैट द इंफॉर्मेशन एंड अदर सर्विसेज मे एग्जिस्ट इन द ब्रांचेज ऑफ द चेन.
कि भाई ये जो सप्लाई चेन है उसके अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन एंड अदर सर्विसेज भी एग्जिस्ट करती होंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल मार्केट रिसर्च एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, कि भाई आप क्या है इवन रिसर्च भी कैरी आउट करते होंगे, तो वो क्या है कोई थर्ड पार्टी होगी कि जो क्या है आपको रिसर्च कैरी आउट करके आपको हेल्प करती होंगी। आफ्टर सेल सर्विसेज तो वो भी क्या है, आपने थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया होगा, तो वो लोग भी क्या है आपकी ब्रांच के अंदर आ जाते हैं। तो दे ऑल आर द पार्टीज हु आर रिलेटेड विथ यू फॉर द पर्पज ऑफ कैरी आउट योर बिजनेस। तो ये सब क्या दिखाता है, आपका बिजनेस मॉडल दिखाता है कि भाई आप कैसे काम करते हो, कौन कौन से लोग आपके बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। सो नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो ये बिजनेस मॉडल को कैसे अफेक्ट करती है वो समझते हैं। सो इट कैन बी सीन दैट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू इम्पैक्टिंग इन अ थ्री मेन वेज, कि भाई जो बिजनेस मॉडल है उसको तीन तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अफेक्ट कर रही है। फर्स्ट, बाय रिप्लेसिंग अवर ओल्ड मॉडल्स विद द न्यू मॉडल, दैट इज फिजिकल टू पेपरलेस, दैट इज ऑफलाइन टू ऑनलाइन अवर इलेक्ट्रॉनिकल प्रोसेसेस। सेकंड, बाय सिग्निफिकेंटली एक्सटेंडिंग द फंक्शंस। तो क्या है, इवन ऑनलाइन के अंदर वी आर प्रोवाइडिंग द मोर फंक्शंस, मोर बेनिफिट्स टू अवर कस्टमर्स, के एंड यूजर्स को क्या है ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है एज कंपेयर टू प्रेजेंट वन। एंड इवन टोटल मॉडर्न वे, दैट इज विच आर द ट्रांसफॉर्मेशंस इन द सेंस दैट द बिजनेस कैन ओनली बी डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली, के इवन वी हैव द न्यू एरा वेयर द बिजनेस कैन बी रन ओवर द इंटरनेट ओनली। सो इन दिस वे वी कैन सी दैट कि जो बिजनेसेस है नाउ दे आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम, और वी कैन से देयर इज अ व्हाट वी कैन से अ रियल सेंस चेंजेस इज टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस मॉडल्स, कि भाई बिजनेस मॉडल्स में क्या है ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, वो क्या है टोटली डिफरेंट हो रहा है एज कंपेयर टू पास्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन सी दैट इन टर्म्स ऑफ टू वेज, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिग्री ऑफ इनोवेशन, कि भाई क्या हो रहा है कि भाई जो पुराना वाला था उसके कंपैरिजन में नया आ गया, दैट इज पॉइंट नंबर वन, फिजिकल टू ऑफलाइन। सेकंड, एक्सटेंडेड, कि जहां पे क्या है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी आर प्रोवाइडिंग द वेरियस सर्विसेज टू अवर एंड यूजर्स, एंड इवन वी कैन हैव अ टोटली ट्रांसफॉर्मेशनल, दैट इज टोटली न्यू वे ऑफ डूइंग द बिजनेस। तो वो क्या है कैसे है वो भी हम समझ लेते हैं। सेम वे इवन डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी, कि भाई उसके बेसिस पे भी हम क्या है हम इवन बिजनेस मॉडल्स को डिवाइड कर सकते हैं, कि भाई सिंगल मॉडल है एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट और उसके कॉन्टेक्स्ट में सारी सप्लाई चेन चल रही है, और इवन इंटीग्रेटेड, कि भाई सारी चीज़ों को कंबाइन करके कंपनी के सारी प्रोडक्ट्स कंबाइन करके क्या है वैल्यू चेन चल रही है। सो इवन मोर देन वन प्रोडक्ट्स मे बी एग्जिस्टेड, दैट इज इंटीग्रेटेड प्रोसेस, कि भाई सारी चीज़ें एक साथ आए। तो वन बाय वन जाते हैं सो दैट वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड, कि भाई फर्स्ट फेज दैट इज रिप्लेसिंग द फिजिकल और पेपर बेस्ड प्रोसेसेस विद द इलेक्ट्रॉनिकल प्रोसेसेस। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण सबसे पहले क्या चेंज आया, तो नाउ द ऑर्गेनाइजेशंस आर नाउ स्टार्ट वर्किंग ओवर द इंटरनेट, कि भाई पहले जिस तरीके से फिजिकल फॉर्म में होता था उसी तरीके से सेम वे में अभी ऑनलाइन पे होने लगा। कि फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिकल शॉप्स, कि जैसे आपकी फिजिकल स्टोर है उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिकल स्टोर हो सकता है, कि जहां पे क्या होगा बीइंग कस्टमर्स उनको क्या करना है आपकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, तो जस्ट बाय गोइंग द वेबसाइट्स दे कैन एबल टू सी व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर यू गोइंग टू ऑफर, तो वो सारी चीजें क्या है आपको वहां पे दिखेगी। कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बाय अ कार, तो आई जस्ट गो टू अ पर्टिकुलर कंपनीज वेबसाइट एंड आई कैन एबल टू सी कि कौन कौन से कार मॉडल्स है, तो सारी इंफॉर्मेशन मेरे को इंटरनेट के माध्यम से मिल जाएगी। सेम वे इवन कंपनी के रूप में वो इलेक्ट्रॉनिकल कैसे हो गए इन टर्म्स ऑफ इवन प्रोक्योरमेंट, उनका बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो भी ऑनलाइन हो गया, कि भाई इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट की भी प्रोडक्ट आएगी टू मटीरियल्स जो है इंस्ट्रूमेंट्स है मशीनरीज है, नाउ उनका जो टेंडरिंग होगा टेंडरिंग कन्फर्मेशन होगा पेमेंट होगी सप्लाई बाद में सप्लाई फिजिकल फॉर्म में होगा, बट जो पूरी प्रोसेस हो गई कोई भी चीज को प्रोक्योर करने की तो वो क्या है इवन वो ऑनलाइन हो गया। तो इवन कंपनी के रूप में नाउ दे आर मूविंग फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। सेम वे इंटीग्रेटेड, कि भाई एक से ज्यादा, तो इवन वी कैन से दैट अबाउट द ई मॉल,
कि जहां पे कंपनी के सारी प्रोडक्ट्स एक ही जगह पे अवेलेबल होगी, जस्ट लाइक अ मॉल, कि भाई मॉल के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, उसी तरीके से वो कंपनी का भी एक इलेक्ट्रॉनिकल मॉल हो सकता है कि जहां पे वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज की प्रोडक्ट होगी, बट ऑल द प्रोडक्ट्स विल बी अवेलेबल अंडर द सेम अम्ब्रेला बेस्ड ऑन द ब्रांड. कि भाई टाटा ग्रुप, तो टाटा ग्रुप के अंडर में जो भी सारी प्रोडक्ट्स है वो सारी प्रोडक्ट्स आपको वहां पे अवेलेबल होगी. तो वो क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉनिकल मॉल दिखा रहा है. तो इवन क्या है, दिस इज पॉसिबल. तो ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सेम वे इवन एक्सटेंडेड सर्विसेज, कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण क्या है, बिजनेस मॉडल्स चेंज हो रहे हैं. तो इवन ऑफलाइन टू ऑनलाइन मॉडल चेंज हो गया, उसके अलावा भी क्या है नाउ इवन एक्सटेंडेड सर्विसेज, कि भाई और बेहतर सर्विसेज कंपनियां देने लगी. कैसे? इवन फॉर एग्जाम्पल नाउ इट इज पॉसिबल टू हैविंग अ ई ऑप्शंस, कि भाई कोई भी चीज का ऑप्शंस होगा, बट वो कैसे होगा? ओवर द इंटरनेट होगा. सो दैट विल बी हेल्पफुल टू कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस. कि भाई क्या है, ऑप्शंस के बेसिस पे वो बंदा पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को एक्वायर कर पाएगा, हायर भी प्राइस लोअर प्राइस, जो उसको अच्छी लगती है सही लगती है उस हिसाब से वो प्रोडक्ट को परचेज कर पाएगा. सेम वे इवन वी कैन हैव द नाउ ट्रस्ट सर्विसेज, कि भाई कंपनी के रूप में आप क्या है ऑथोराइज डीलर्स ऑथोराइज सप्लायर्स आइडेंटिफाई करते हो, सो दैट इवन कस्टमर्स कैन रिकॉग्नाइज कि भाई यस ये जो पर्टिकुलर बंदा है वो क्या है कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव्स है, कंपनी के लिए काम करता है फॉर एग्जांपल, एंड बेस ऑन दैट ही और सी कैन एबल टू डिसाइड कि यस मेरे को ये ऑथोराइज शोरूम में से ही प्रोडक्ट परचेज करनी है. सेम वे इवन नाउ वी कैन एबल टू सी अ वैल्यू चेन सर्विसेज, कि भाई नाउ वी कैन फाउंड द डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रेटेड सर्विसेज, लाइक फॉर एग्जाम्पल पेमेंट सिस्टम लॉजिस्टिक्स. कि भाई आप पर्टिकुलर कंपनी में वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो इवन पेमेंट जो होगी वो कोई थर्ड पार्टी कोई बैंक जो है उसका सॉफ्टवेयर होगा, तो नाउ इट इज लिंक्ड. तो आप नॉट ओनली यूजिंग द सर्विसेज ऑफ वन कंपनी बट यूजिंग द सर्विसेज ऑफ मोर देन वन पार्टीज. तो इवन वैल्यू चेन सप्लाई चेन के जो भी मेंबर्स है वो सारे मेंबर्स क्या है आपको साइमल्टेनियसली एक ही पोर्टल के ऊपर मिल जाते हैं, तो यू आर यूजिंग द सर्विसेज ऑफ देम. तो इवन क्या है ये सारी क्या एक्सटेंडेड सर्विसेज है, कि भाई आप प्रोडक्ट को नॉट ओनली ऑब्जर्व बट ऑल्सो यू कैन बाय और इवन यू कैन गो फॉर एग्जाम्पल ईएमआई. तो इवन आप प्रोडक्ट परचेज करते हो और इवन ईएमआई की सर्विसेज भी परचेज कर पाओगे, तो जो कोई थर्ड पार्टी कोई और कंपनी देती होगी. तो नाउ इट इज पॉसिबल कि भाई ये सारा एक्सटेंडेड वैल्यू चेन में पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. कि भाई आपका क्या है पूरा काम करने का तरीका बिजनेस मॉडल्स चेंज हो रहा है. अगर उससे भी कॉम्प्लेक्स करें तो फॉर एग्जाम्पल नाउ वी कैन हैव द थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस, वेब होस्टिंग, कि जहां पे कोई एक कंपनी होगी कि जिन्होंने वेबसाइट बनाई है वेब होस्ट किया है और वहां पे बायर्स एंड सेलर्स दे बोथ आर कमिंग टूगेदर एंड हैविंग अ ट्रांजेक्शंस. तो नाउ इवन वी कैन से दैट इट इज अ ऑनलाइन मार्केट. कि फॉर एग्जाम्पल अमेजोन, तो अमेजोन जो है वो क्या है उन्होंने वेबसाइट बनाया वेब होस्टिंग किया, तो नाउ ऑल दोज parties who want to sell their products, तो वो लोग वहाँ पे register करवा पाएंगे. Same way, all those who want to buy the product, तो they all will coming together and now it is a web where they can interact with each other. तो ये सारी चीजें possible हुई है because of what? Because of information technology. तो ये तो क्या है already existing था या information technology के कारण existence में आया, बट अभी उससे भी आगे जाए तो ना बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एरा वी कैन हैव टोटली न्यू बिजनेस मॉडल्स लाइक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ब्रोकरेज, कि जहां पे इंफॉर्मेशन ही सब कुछ है तो वहां पे आप देख सकते हो लाइक सर्च इंजिन्स गूगल याहू. तो ये क्या है सर्च इंजिन है कि जो क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, दे आर सिंपली प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली. कि भाई आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो लोग आपको वो कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देंगे. सो नाउ द टोटली न्यू बिजनेस मॉडल इज इवन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, कि भाई वो इंफॉर्मेशन का क्या है ब्रोकरेज कर रहा है, कि भाई आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में जो एडवर्टाइजर्स है जो एडवर्टाइजमेंट देंगे वहां से उनसे पैसा मिलेगा रेवेन्यू जनरेट होगा. सो इवन न्यू वेज इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अगर उसको कॉम्प्लेक्स करें तो कैसे हुआ, नाउ वी कैन हैव द वर्चुअल कम्युनिटीज, कि भाई इवन इंटरनेट के माध्यम से जो एक्सपर्ट्स होंगे वो क्या है इंटरनेट के ऊपर मिल सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अमेज़न है तो नाउ दे आर प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म,
वेयर कोई कंपनी कोई बंदा है कि जो कोई बुक लिख रहा है तो ऑथर है, वो पर्टिकुलर एरिया में रीडर्स जो है वो इंटरेस्टेड रीडर्स है वो लोग है, इवन पब्लिशर्स, तो वो सारे लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से क्या है, अमेजोन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे ये सारे कम्युनिटीज इकट्ठा होगी और इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। सो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेम वे वी कैन हैव द कोलेबरेशन प्लेटफॉर्म्स, कि भाई कंपनी क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि जहाँ पे सप्लायर्स और कस्टमर्स दे बोथ कैन कम टुगेदर, हैव द इंटरेक्शंस, डिसाइड द प्रोडक्ट्स फीचर्स एंड सप्लायर्स विल प्रिपेयर इट एंड गिव इट इट, जस्ट एज वी ऑलरेडी सेज अबाउट द अमेजोन, कि भाई आप कंसर्न सप्लायर्स कंपनी के साथ इंटरेक्ट करोगे और उसके मुताबिक आप अपना ऑर्डर्स मॉडिफाइड करके रख सकते हो, तो इट इज पॉसिबल। सेम वे इवन वैल्यू चेन इंटीग्रेशन की, जैसे हमने पहले बोला कि भी क्या है, देर आर द वेरियस पार्टीज हु आर इन्वॉल्व, कि भी इवन एक एग्जांपल की बात करें तो इवन क्या है कि भी एक सेल्समैन है, तो सेल्समैन अगर उसकी वैल्यू चेन इंटीग्रेटेड है तो बीइंग अ सेल्समैन ही कैन एबल टू सी कि भाई कोई अगर कस्टमर्स मेरे यहाँ पे आ रहा है और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैसे चल रहा है, हमारे जो सप्लायर्स है वो कौन सी तारीख को हमें प्रोडक्ट्स के जो रॉ मटेरियल्स है वो सप्लाई करेंगे, कौन सी तारीख तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग होगा, हमारे जो लॉजिस्टिक्स मेंबर्स है पार्टीज है वो हमें कब तक हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स भेज पाएंगे, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इन फ्यूचर, तो वो सारी चीज़ें नाउ इट इज एबल टू पॉसिबल टू जस्ट सी ऑन स्क्रीन, कि भाई वो बंदा अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, उसकी क्या है एबिलिटीज इंक्रीज होगी, जो कमिटमेंट होगा वो 100% होगा। सो इवन दैट इज पॉसिबल, कि भाई ये सारी चीजें पॉसिबल हुई है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ, कंपनी का जो काम करने का तरीका है, बिजनेस मॉडल है, तो वो टोटली चेंज हो गया। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन एंड इवन इन ऑनलाइन वी आर स्टार्टिंग गिविंग द वेरियस एक्सटेंडेड सर्विसेज, एक्स्ट्रा सर्विसेज एज कंपेयर टू अवर ओन बिजनेस, कि भाई हमारा बिजनेस हमारी प्रोडक्ट तो है ही है, उसके अलावा वेरियस एंसिलरीज सपोर्टिव सर्विसेज बेनिफिट्स विच इज प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी, बट वो सारी चीज़ें भी क्या है अभी हमारी वैल्यू चेन के अंदर अवेलेबल है, वो हम कस्टमर्स को ये सारे बेनिफिट्स वैल्यूड देते हैं एंड इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें क्या है पॉसिबल हुई है। तो दिस इज पॉइंट नंबर टू, कि भाई क्या है इंफॉर्मेशन के कारण हमारे बिजनेस मॉडल्स चेंज हुए हैं। नाउ पॉइंट नंबर थ्री, इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चरिंग एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस, कि भाई क्या हुआ, इंफॉर्मेशन के कारण हमारे जो मैनेजमेंट है, कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है, उनका काम करने का तरीका जो है वो टोटली चेंज हुआ है, ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। कंपनी का जो स्ट्रक्चर्स है, इंफॉर्मेशन फ्लो जो है अप टू डाउन, डाउन टू अप, ये सारी चीजें क्या है ड्रास्टिकली चेंज हुई है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो देयर इज अ इंप्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज एंड आर मेकिंग अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बेटर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि भाई क्या है कंपनी की जो कार्य क्षमता है वो प्रोडक्टिविटी है वो एनहेंस हुई है बिकॉज ऑफ वॉट, देयर कैपेबिलिटीज टू हैंडलिंग द इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, कि भाई वो लोग क्या है इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से समझते हैं, एनालाइज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं एंड बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ दैट दे आर बी मोर कॉम्पिटिटिव। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे अफेक्ट करेगी कंपनी की मैनेजमेंट प्रोसेसिस को वो समझ लेते हैं। तो फर्स्ट वी कैन से दैट देर आर द सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि जिनकी फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटेजीज है टू रिड्यूस द कॉस्ट, कि भाई कॉस्ट रिडक्शन ये उनका अल्टीमेट एम है, ऑब्जेक्टिव है, तो वो अटेन करने के लिए वो व्हाट दे कैन डू, दे कैन गो फॉर सेंट्रलाइज बिजनेस स्ट्रक्चर्स, के भाई कंपनी स्ट्रक्चर के अंदर हमने इवन पहले पढ़ा था यूजी के अंदर कि भाई वी कैन क्लासिफाई द स्ट्रक्चर्स इनटू द सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि सेंट्रलाइज में क्या होगा ऑल द डिसीजंस विल बी टेकन एट द टॉप। तो यही चीज यहाँ पे भी पॉसिबल हो सकती है कि भाई कंपनी के रूप में आप क्या चाहते हो, कि भाई आप चाहते हो कि भाई कंपनी के अंदर जो कॉस्ट है वो हमें रिड्यूस करनी है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन के ऊपर आपकी स्ट्रेटजीज है कि भाई हम मार्केट के अंदर प्रोडक्ट हम कम से कम रेट में, कम से कम प्राइस में देना चाहते हैं। तो वो आपके लिए पॉसिबल कब होगा, जब आप क्या है अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सेंट्रलाइज करोगे, तब
वो सेंट्रलाइज कैसे हो पाएगा और वो वहां पे क्या हेल्प करेगी आपको, इंफॉर्मेशन हेल्प करेगी। क्यों? तो भाई ऑन टाइम आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी रिगार्डिंग ईच एंड एवरी स्ट्रेटेजिकल बिजनेस यूनिट्स, रिगार्डिंग ईच एंड एवरी फेजिस ऑफ योर बिजनेसेस, एंड बेस्ड ऑन दैट एज अ टॉप मैनेजमेंट यू कैन एबल टू टेक अ करेक्ट डिसीजंस। You can able to identify the steps where you can able to reduce the or minimize the cost. So information technology जो है वो आपको on time सारी information देती है, and based on that जो top executives होंगे, top management होंगे, वो क्या है, एक सही correct decisions ले पाएंगे, and because of that they can able to reduce the cost. तो जो low cost strategies है that is strongly fitable, find suitables in the centralized ब्यूरोस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशंस। तो वहां पे ये चीज अब सबसे बेहतर पॉसिबल है। सेम वे अगर आप एज्यूम करो कि भाई आप क्या है, यू आर द ऑर्गेनाइजेशंस हु सेंट अ हाईली डिवॉल्व्ड, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो हाईली डिसेंट्रलाइज है। आपके जो स्ट्रेटेजिकल बिजनेस यूनिट्स है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर बिलोंग करते हैं, एंड नाउ एज ए कॉरपोरेट हाउस आपके लिए यहाँ पे वंस अगेन सभी के ऊपर कंट्रोल करना पॉसिबल होगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होगी इट इज गोइंग टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द कॉरपोरेट हाउस एंड ऑल द बिजनेस यूनिट्स। के जो कॉरपोरेट एंड बिजनेस यूनिट्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए, रिलेशनशिप होनी चाहिए, वो भी पॉसिबल हो पाएगी बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्या यूजफुल होगा कि इवन एज अ टॉप मैनेजमेंट उनको पता चलेगा कि भाई हर एक बिजनेस यूनिट जो है वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वहाँ पे प्रॉफिट में है या लॉस में है, उनकी फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या है। तो इवन दे कैन एबल टू मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिसीजन मेकिंग पावर हमने उनको दिया है, डिसेंट्रलाइज हमने किया है, मतलब हर एक बिजनेस यूनिट्स अपने अपने हिसाब से डिसीजंस ले रहा है, बट इवन एज ए कॉर्पोरेट हाउस हम वहां पे उनको लिंक कर पाएंगे, समझ पाएंगे हमारा रिसोर्सेज उनको देना है नहीं देना है, फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या होगी, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, उसमें कॉर्पोरेट हाउस कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, या वो कॉर्पोरेट हाउस को फ्यूचर में कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो वो सारी चीजें क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पॉसिबल होगी, अवेलेबल होगी बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वंस अगेन कि भाई क्या है, आपका कंपनी जो है वो सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होगी वो आपको हेल्प करेगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट कि भाई आपका जो काम करने का तरीका है वो डे बाय डे इम्प्रूव होगा और अच्छा और बेहतर होगा। सिंस अ गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज इज अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू, तो बेस्ड ऑन दैट डेफिनेटली यू आर एबल टू टेक अ गुड डिसीजंस, कि भाई उसके बेसिस पे आप एक अच्छी डिसीजंस ले पाओगे। सेम वे मिडवे कि भाई सेंट्रलाइज नहीं, डिसेंट्रलाइज नहीं, उसके अलावा भी कैसे हेल्पफुल होगा कि इवन इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ बॉटम अप बिजनेस प्लानिंग। कि भाई जो स्ट्रेटेजिकल कंट्रोल पर्सपेक्टिव से अगर आपके पास एक अच्छा इंफॉर्मेशन नेटवर्क अवेलेबल है, तो यू कैन एबल टू एज ए कॉर्पोरेट हाउस यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई वॉट इज हैपनिंग एंड वॉट कुड बी डन फॉर ईच एंड एवरी यूनिट्स। इवन हमने देखा था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर कि भाई कंपनी के रूप में आपके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स है, तो सम मे बी आर इन अ स्टार, सम मे बी इन अ कैश काउ, सम मे बी इन अ क्वेश्चन मार्क। तो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको इंफॉर्मेशन देगी, आप एनालाइज करोगे कि यस ये पर्टिकुलर हमारा बिजनेस यूनिट्स है वो स्टार में है, अभी वहाँ पे मार्केट शेयर हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा है, सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही है, सो नाउ व्हाट वी कैन डू फॉर दैट। एट द सेम टाइम एज ए कॉर्पोरेट हाउस आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि भाई आपके कौन कौन से बिजनेस यूनिट्स आपको कैश काउ में है, आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं। तो इवन टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप आप जो भी प्लानिंग करोगे, जो भी डिसीजन लोगे, वो सारी आपके लिए पॉसिबल्स है। कैसे? बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कि भाई आई टी जो है वो आपको हेल्प करेगी इन प्रोवाइडिंग अ टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन। Beyond that, you can able to focus more on customer-supply relationships. कि भाई उससे भी आगे बढ़ के आप इंफॉर्मेशन आपको कैसे हेल्प करेगी कि भाई कंपनी के अंदर तो इंफॉर्मेशन है ही है, उसके आगे जाके आप क्या है फ्रंट एंड में कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे,
उनके साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आप आगे बढ़ोगे, सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करोगे। एट द सेम टाइम बैकएंड जो हमारे सप्लायर्स है कि जो हमें रॉ मटेरियल इंस्ट्रूमेंट्स सप्लाई करता है, उनके साथ भी एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉसिबल होगा हमारे लिए, कैसे? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, हमारे बिजनेस को रन करने में और इफेक्टिव बनाने में हेल्प करती है, हमारे बिजनेस मैनेजमेंट प्रोसेसेस जो है उसको और बेहतर और इम्प्रूव करेगी। सेम वे सर्टेन लिमिटेशंस है, तो वो लिमिटेशंस को भी हम क्या है रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कि भाई पास्ट में हम क्या बिलीव करते थे कि देयर आर द सम गेटकीपर्स। तो गेटकीपर्स कौन होते हैं? दे आर द पीपल हु आर गोइंग टू स्टॉपिंग द इंफॉर्मेशन, स्टॉपिंग द पर्संस फ्रॉम एंटरिंग इनटू द नेटवर्क सिस्टम्स। तो क्या था, हम पास्ट में क्या बिलीव करते थे कि एज अ टॉप मैनेजमेंट वी आर बिलीविंग दैट कि भाई जो मिडिल लाइन है, मिडिल लेवल मैनेजर्स है, दे आर प्लेइंग अ रोल ऑफ गेटकीपर्स, और वो लोग जो एंड लोअर लेवल एम्प्लॉयज है कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स में लास्ट में है, एंड में है, तो उन तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचने नहीं देते हैं। दे आर स्टॉपिंग एंड हिंडरिंग द क्या है सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इवन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आपको ये गेट कीपर्स को रिमूव करने में हेल्प करेगी। कि ना प्रेजेंट एरा में क्या हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इन सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस द सीईओ देमसेल्व्स आर क्रिएटिंग देयर ओन वेबसाइट्स। कि जो सीईओ होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होता है, तो वो अपनी खुद की वेबसाइट्स बनाते हैं, एंड एज अ वन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद देम। उनको आप मेल कर सकते हो, उनको आपका जो व्यूज है, ओपिनियंस है, वो आप डायरेक्टली भेज सकते हो। एट द सेम टाइम उनका जो इंफॉर्मेशन है दे कैन पुट अप ऑन द वेबसाइट सो दैट ऑल द एम्प्लॉयज कैन एबल टू सी। तो इवन विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन क्रिएटिंग द वर्ल्ड वेयर देयर इज अ फ्यूअर गेटकीपर्स। कि जो गेटकीपर्स है उनको हम ये लिमिटेशन जो है उसको हम इवन रिमूव भी कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजें क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी जो है उसको हम रिमूव कर पाएंगे। सो इन दिस वे इवन इंफॉर्मेशन जो है वो आपको हेल्प करती है, कैसे? आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर को और मैनेजमेंट प्रोसेसेस को, काम करने के तरीके को और बेहतर और अच्छा बनाने में। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 3। सो इन दिस वे इंफॉर्मेशन जो है वो हमें क्या है एनेबलिंग द स्ट्रेटजीज में 3 तरीके से हेल्प करेगी। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन हमें हमारे स्ट्रेटेजिकल कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने में, होल्ड करने में, इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। सेकेंड, इंफॉर्मेशन हमें हमारे बिजनेस मॉडल को एडवांस करने में, अपडेटेड करने में हेल्प करेगी। एंड थर्ड, इंफॉर्मेशन हमें हमारी रिस्ट्रक्चरिंग और मैनेजमेंट प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करेगी बाय प्रोवाइडिंग द ऑन टाइम इंफॉर्मेशन। सो इन दिस वे इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज विच विल हेल्प अस इन एनेबलिंग द स्ट्रेटेजिकल सक्सेस।